लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की तरफ से फीस वसूली नहीं की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी निजी शिक्षण संस्थान फीस वसूली ना करें। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यदि स्कूल संचालक फीस मांगते या दबाव बनाते पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब तक मामले की समीक्षा नहीं की जाती तब तक फीस वसूली नहीं की जा सकेगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देनी होगी और कर्मचारियों को वेतन नहीं देने पर भी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा जो प्राइवेट स्कूलों के फीस की लेकर के बात है उसमें हमने ये कहा है कि इस समय में कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी बच्चे से या अभिभावक से फीस नहीं मांगे, ये पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है। इस वक्त अगर कोई प्राइवेट का इंस्टीट्यूट का कोई भी संचालक अगर बच्चों से फीस मांगता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम ये नहीं कह सकते कि आपको फीस नहीं ले सकते, लेकिन इस समय पर जब तक सरकार की तरफ से पूरी तरीके से इसको समीक्षा करने के उपरांत नहीं कहा जाता तब तक वो किसी भी बच्चे से किसी अभिभावक से फीस नहीं।